दर्शकों, आज हम आपको जानकारी देंगे अर्जुन वृक्ष के विषय में। अर्जुन वृक्ष के स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, आइए जानते हैं। यदि हड्डी टूट गई हो तो अर्जुन के छाल का पाउडर फांकने से और उसके ऊपर दूध पीने से हड्डी तेजी से जुड़ने लगेगी। इसकी छाल को आप पानी के साथ पीसकर उस जगह लगा भी सकते हैं, इससे आपको दर्द में भी आराम मिलेगा। जलने पर जब असहनीय दर्द होता है तो उसमें भी अर्जुन की छाल काफ़ी लाभकारी है। इसे घाव में लगाने से जलने से होने वाली जलन में राहत मिल जाती है। यदि आप दिल की बीमारी के मरीज हैं तो आप इसके लिए भी अर्जुन की छाल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अर्जुन की छाल को पीसकर मलाई वाले दूध के साथ एक चम्मच मिलाकर पीना है। ऐसा आपको सुबह और शाम दोनों समय करना है। इसका प्रयोग आपको एक महीने तक करना है। मुंह के छाले यदि आपको परेशान कर रहे हों तो इसके लिए अर्जुन की छाल को पीसकर नारियल के तेल के साथ मिलाकर आपको छालों पर लगाना है, जिससे आपको छालों में आराम मिलेगा। शरीर को बलशाली बनाना हो तो इसके लिए आपको गुड़ और दूध और चीनी के साथ अर्जुन की छाल का सेवन करना है। इससे आपकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। खांसी यदि काफ़ी पुरानी हो चुकी है और उसमें आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए अर्जुन की छाल का सेवन करें, इससे ये समस्या खत्म होगी। अक्सर कर पेट के दर्द की शिकायत रहने वाले लोगों को भी अर्जुन के छाल का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आपको भुनी हुई हींग और स्वाद अनुसार नमक, अर्जुन की छाल का पाउडर मिलाकर प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपको पेट दर्द में राहत मिलेगी। पीलिया से ग्रसित व्यक्ति को अर्जुन की छाल का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आपको अर्जुन की छाल के चूर्ण को घी में मिलाकर सुबह शाम लेना है। यदि आपको तेज़ बुखार है तो इसके लिए अर्जुन की छाल का सेवन करना चाहिए। आप अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर रोगी को पिला सकते हैं तो उससे भी बुखार में आराम मिलेगा। कान के दर्द होने पर 3-4 बूंद अर्जुन के पत्ते का रस कान में डालने से कान का दर्द कम होता है। अर्जुन मूल चूर्ण में मीठा तेल मिलाकर मुंह के अंदर लेप कर ले और उसके पश्चात गुनगुने पानी का कुल्ला करने से मुख पाक में लाभ मिलता है। हृदय की सामान्य धड़कन जब 72 से बढ़कर 150 से ऊपर रहने लगी तो एक गिलास टमाटर के रस में एक चम्मच अर्जुन की छाल का चूर्ण मिलाकर नियमित सेवन करने से लाभ मिलता है। अर्जुन की छाल, नीम की छाल, आंवले की छाल और हल्दी और नीलकमल के संभाग चूर्ण को पानी में पकाकर शेष काढ़ा बनाएं। जब ये पानी जलकर थोड़ा सा रह जाए तब इसमें 10 से 20 मिलीग्राम शहद मिलाकर रोज सुबह शाम सेवन करने से पित्तज प्रवेह में लाभ मिलता है। आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण में मुहासों से कौन परेशान नहीं है, लेकिन अर्जुन की छाल न सिर्फ मुहासों से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा बल्कि चेहरे की कांति भी बढ़ जाएगी। अर्जुन की छाल के चूर्ण को शहद में मिलाकर लेप करने से मुहासों में काफ़ी लाभ मिलता है। अर्जुन का काढ़ा बनाकर पीने से सूजन भी कम होती है और हृदय रोगों के अतिरिक्त शरीर के विभिन्न अंगों में पानी पड़ जाने और शरीर के किसी अंग में सूजन आ जाने पर भी अर्जुन का प्रयोग किया जा सकता है।